एक राजा था। जवान जवान जवान, तो फाइनली मैंने देखी शाहरुख खान की जवान फिल्म। देश को अंदर से खोखला कर रहे लोगों को बेनकाब करने की एक फौजी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सुबह 6 बजे से थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े और क्या जवान, लोग अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। ये शाहरुख खान की अदाओं का तिलस्म है जिसने सभी को थिएटर में ला दिया है। जवान के बाद ये तो पक्का हो गया है कि अब शाहरुख खान को छू पाना किसी भी स्टार के लिए मुश्किल होगा। जवान फिल्म में भ्रष्टाचारी नेताओं से लेकर किसानों की मजबूरी में की गई आत्महत्या और महंगाई से लेकर चुनाव में हो रही धांधली तक के मुद्दों को उठाया गया है। फिल्म के एक एक सीन में शाहरुख खान ने बाप लेवल की एक्टिंग की है। शाहरुख खान का डेडिकेशन अपने काम को लेकर नेक्स्ट लेवल का है। जवान फिल्म आपको शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखती है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस और शाहरुख खान का जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगी। ये फिल्म एंटरटेनमेंट का फुल डोज है और फिल्म में शाहरुख खान और नयनतारा की केमिस्ट्री काफी शानदार है। ये फिल्म उनके लिए जो सस्पेंस थ्रिलर और एंटरटेनमेंट मूवी देखना पसंद करते हैं। 57 साल की उम्र में भी शाहरुख खान ने जो कारनामा कर दिखाया है वो शायद ही कोई स्टार कर सकता है। जवान फिल्म ने अपने पहले दिन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जवान फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली है। जवान फिल्म ने अपने पहले दिन भारत से 90 करोड़ रुपए की कमाई की है जो कि अभी तक किसी फिल्म ने नहीं की है। ये फिल्म 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है और ये फिल्म कई बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। आपने जवान मूवी अभी तक देखी कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें।